नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एक बार पुनः आपको द यंग स्लप ऑफ सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर क्लब का नीलम जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। 46वें वार्षिक उत्सव के आज दूसरे भव्य कार्यक्रम में राजस्थानी लोक संगीत संस्कृति का एक सुंदर कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भाग लेने वाले हैं, जो हमारी लोक संगीत और लोक नृत्य को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अनेक बार सुजानगढ़ में हो चुका है और हर बार लोग दिल खोलकर इसकी सराहना करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि सुजानगढ़ में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि ये कला साहित्य और संस्कृति की भूमि है, ये कलाकारों की भूमि है और यहाँ पर समय समय पर बड़े बड़े कलाकार आते रहते हैं और ये निश्चित रूप से हर सुजानगढ़ के वासी के लिए गौरव की बात है। सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समाजसेवी संस्था यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित करता है। ये 46वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अवसर पर ये कार्यक्रम श्री कन्हैयालाल जी कमला देवी जी डुंगरवाल के आर्थिक सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ की सबसे बड़ी सामाजिक सेवा संस्था, जो शिक्षा, चिकित्सा, कला, साहित्य हर क्षेत्र में कार्य करती है। आज नीलम जयंती महोत्सव के अंतर्गत राजस्थानी लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम स्वर्गीय सोहनलाल जी सूटी देवी डुंगरवाल की स्मृति में श्री कन्हैयालाल जी कमला देवी डुंगरवाल की आर्थिक सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी सूटी देवी जी के चित्र आप देख रहे हैं, जिन की स्मृति में यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। सुजानगढ़ की सबसे बड़ी सामाजिक सेवा संस्था द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। क्लब का 46वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और आज दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थानी लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भाग ले रहे हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति आज मंच पर उजागर होने वाली है। नीलम जयंती महोत्सव पे सजा धजा यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ आप देख रहे हैं। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। लाडू बस स्टैंड पर ये स्थित है भवन, जहाँ पर क्लब का 46वां वार्षिक उत्सव नीलम जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ जब भी अपना वार्षिक उत्सव मनाता है, ज़्यादातर कार्यक्रम संगीत और साहित्य को समर्पित होते हैं, क्योंकि हमारी सुजानगढ़ की धरा संगीत और साहित्य की धरा है। संगीत की बात करें तो लता मंगेशकर के गुरु खेमचंद जी प्रकाश हमारे सुजानगढ़ के, उसके अलावा दिलीप सेन, समीर सेन, जो आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, वो हमारे सुजानगढ़ के। उसके अलावा अगर नृत्य की बात करें तो गंगानी परिवार की बात कर सकते हैं। एक और संगीतकार की बात करें तो ललित सेन, जो आज टीवी की दुनिया में सबसे बड़े संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये माहौल इस तरह की संस्थाओं के द्वारा क्रिएट किया गया है और आज सुजानगढ़ का नाम कला और साहित्य के लिए जाना जाता है। साहित्य की बात करें तो देश का सबसे बड़ा नाम पद्मश्री कन्हैयालाल जी सेठिया की हम बात करते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इन तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो साहित्य का, चाहे कला का, शिक्षा का, चिकित्सा का, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ अपना योगदान देता रहा है। आज के कार्यक्रम पर मंच पर क्लियर नज़र आ रहा है कि हम पूरी तरह से संगीत और साहित्य को समर्पित हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सुंदर लुक दिया गया है, ये तबले आप देख रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत सुंदर कार्यक्रम है। राजस्थानी लोक संगीत संध्या यहाँ पर आयोजित की जा रही है और राजस्थान का लोक संगीत जो है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विदेशी लोग जब आते हैं, जयपुर आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर आते हैं, तो हमारी इन लोक संगीत को, लोक संस्कृति को देखने के लिए आते हैं और वो आज यहाँ पर हमारे मंच पर उजागर होने वाली है। बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। मंच के ऊपर एक और आप देख रहे हैं वाद्य यंत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये माँ सरस्वती का ही एक वाद्य है जो हम सरस्वती के हाथ में देखते हैं। आज का सुंदर कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में अतिथि पधारेंगे और उसके बाद में आज राजस्थानी लोक संगीत संध्या का आयोजन होगा डुंगरवाल परिवार के आर्थिक सौजन्य से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल पहुँच चुके हैं। आज के तमाम अतिथिगण पहुंच चुके हैं जो मंच पे पधारने वाले हैं। आज स्वनाम धन्य अतिथियों से कि आप मां शारदा एवं स्वर्गीय सोहनलाल जी सूटी देवी डुंगरवाल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज करें। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है दीप प्रज्वलन के साथ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ का 46वां वार्षिक उत्सव नीलम जयंती समारोह आयोजित हो रहा है।
कन्हैयालाल जी डुंगरवाल दीप प्रज्वलित करें, जिनके आर्थिक सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। युवा समाज सेवी सुनील जैन दीप प्रज्वलित कर देवे। नगर परिषद सुजानगढ़ के सभापति सिकंदर निखिल जी और समाज सेवी करीम जी खींची दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। श्री रणजीत जी सिंगी और उपसभापति बाबूलाल कुलदीप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये दीप हमारी लोक संस्कृति का, हमारे लोक संगीत का है, जन सेवा का है, जो यंग्स क्लब में सतत प्रज्वलित रहता है। कहते थे महोदय माँ शारदा का पूजन कर रहे हैं। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय श्री निर्मल जी पुथेड़िया दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जिस दिन से चांद की शीतल किरणों ने स्पर्श किया था इस धरा को, उस दिन से अभिनंदन करते हैं। जिस दिन से कोई पहला फूल महका था चमन में, उस दिन से स्वागत करते हैं। जिस दिन से सितारों ने अपने टिमटिमाती आंखें खोली थी आसमान में, उस दिन से अभिनंदन करते हैं। आदिकाल से चली आ रही इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय जनाब सिकंदर अली खेल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने हेतु मेरा अनुरोध श्री दानमल जी शर्मा से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सभापति सिकंदर अली खिलजी का सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ के दिग्गज नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है, जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुजानगढ़ नगर परिषद के उपसभापति बाबूलाल जी कुलदीप का सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुजानगढ़ के युवा समाज सेवी सुनील जी जैन का सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अब्दुल करीम जी हाजी साहब का सम्मान किया जा रहा है। आपके आर्थिक सौजन्य से मुहर्रम के जुलूस में छबील का आयोजन भी किया गया था। आदरणीय श्री रणजीत सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थानी संगीत कला अकेडमी की प्रतिनिधि के रूप में शशि बालाजी का सम्मान किया जा रहा है। कमला जी सिंह जी सम्मान कर रही हैं। कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी डुंगरवाल का सम्मान किया जा रहा है, जिनके आर्थिक सौजन्य से आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की स्वागताध्यक्ष श्रीमती कमला देवी जी डुंगरवाल का सम्मान किया जा रहा है। क्लब के अध्यक्ष निर्मल जी भुतेड़िया सम्मान कर रहे हैं। परम सौभाग्य का विषय है, द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ अपनी यात्रा के, अपनी स्थापना के 45 वर्ष पूर्ण करते हुए 46वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ, अनेक अनेक गतिविधियों के साथ आयोजित कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व नगर सभापति परम सम्माननीय जनाब सिकंदर अली खिलजी साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस संस्था के मार्गदर्शक क्लब सुवेशी क्लब हितेशी परम सम्माननीय मास्टर भंवरलाल जी साहब, पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। कार्यक्रम को विशिष्ट आतिथ्य प्रदान कर रहे ऊर्जावान उपसभापति नगर परिषद सुजानगढ़ माननीय बाबूलाल जी कुलदीप, नगर के प्रबुद्ध समाज सेवी क्लब हितेशी, युवा कार्यकर्ता माननीय सुनील जी जैन सड़ुवाला, क्लब के शुभचिंतक माननीय अब्दुल करीम जी खिची साहब, दिगंबर जैन ट्रस्ट सिंघी मंदिर के ट्रस्टी माननीय रणजीत सिंह जी सिंघी साहब, राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी जिसका क्लब के साथ 25 वर्षों से एसोसिएशन है, बेहद स्नेह और प्यार राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी ने इस संस्था को दिया है। हम एहसानमंद है राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी के, जिन्होंने सांगीतिक वातावरण पैदा करने में एक अहम भूमिका का निर्वाह यंग्स क्लब के साथ किया है।
राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी की प्रतिनिधि के रूप से कोऑर्डिनेटर मान्य शशिबा वाला विजय वर्गिया साहब, हमारे क्लब के शुभचिंतक, आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर उदार मना मान्य कन्या राज जी डुंगरवाल साहब तथा कमला देवी डुंगरवाल। राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी जोधपुर द्वारा द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के 46वें स्थापना दिवस पर आज हम नीलम जयंती महोत्सव के अंतर्गत संजोए गए कार्यक्रमों के तृतीय दिन राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ एक मनोहारी कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत संध्या के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस मनोहारी सांझ को संजोने के लिए उदार मना परम सम्माननीय कन्हैयालाल जी डुंगरवाल, कमला जी डुंगरवाल का स्तुत्य सहयोग हमें मिला है। मैं माननीय डुंगरवाल साहब का हृदय की गहराइयों से क्लब परिवार की ओर से साधुवाद कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय कन्हैयालाल जी डुंगरवाल ने अपने पिता माता परम सम्माननीय स्वनाम धन्य सोहनलाल जी सूटी देवी डुंगरवाल की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए आज के इस कार्यक्रम में आपने जो हमें सहयोग प्रदान किया है, मैं पुनः आपका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं। माननीय भवनलाल जी मार साहब, जब से क्लब स्थापित हुआ तब से आपने हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़कर इस क्लब को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में हमें अभूतपूर्व सहयोग दिया। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, 1982 में हमने दशक का कार्यक्रम क्लब के 10वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया था और आपने विधायक पद पर आसीन रहते हुए 10 दिन लगातार मंत्रिमंडल से चुने हुए मंत्रियों को सुजानगढ़ में लाकर एक गरिमापूर्ण कार्यक्रमों की परिणति करने में हमें जो सहयोग प्रदान किया, आज मैं 1982 यानी 18 और 17 25 साल बाद भी मैं आपका इस रूप में धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक उसी रूप में माननीय मास्टर भवनलाल जी साहब हमारे साथ हृदय की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। मैं आपका मंच से यंग्स क्लब परिवार की ओर से ढेर सारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा सामाजिक कार्यक्रम, एक ऐसा पुण्य का कार्यक्रम माननीय अब्दुल करीम जी खींची, जो कि कोलकाता प्रवासी है लेकिन सुजानगढ़ निवासी है, सुजानगढ़ की माटी में जन्मे जाए हैं, और आपने अपनी उपस्थिति में रहकर मुहर्रम के दिन हमने यहाँ छबील की व्यवस्था करके यानी शरबत पिलाकर हजारों व्यक्तियों को जो है शरबत पिलाकर एक पुण्य का कार्य यंग्स क्लब के माध्यम से हुआ। ये एक तारीख पहले दिन का हमारा कार्यक्रम रहा। निश्चित रूप से हम सभी को सुकून मिला, हमारे जिन व्यक्तियों ने इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया उन्होंने पुण्य अर्जित किया, और जिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने मुहर्रम के साथ जुलूस के साथ चलते हुए इस व्यवस्था का लाभ लिया, निश्चित रूप से यंग्स क्लब को आशीर्वाद मिला, आदरणीय करीम जी को आशीर्वाद मिला। मैं करीम जी भाई साहब का क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करता हूं। अक्टूबर यानी कल शाम उदार मना हमारे क्लब के परम शुभेशी हमारे आदरणीय सोनाम धन्य प्रताप सिंह जी सिंगी की स्मृति में सम्मान्य कमलाल जी सिंगी के सौजन्य से एक विराट भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ, और दो बेहतरीन कलाकारों ने यहाँ अपनी सुरीली प्रस्तुतियां भजनों, गजलों, गीतों, लोक गीतों, सूफी गीतों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत की। रात का यह आयोजन हमारे इस कड़ी का दूसरा कार्यक्रम था। कल 4 अक्टूबर को इसी मंच से सुजानगढ़ निवासी कोलकाता प्रवासी मान्य सुनील जी डोसी के सौजन्य से 13वां प्रतिभा सम्मान समारोह स्वनाम धन्य नोरतनमल जी कंजन देवी डोसी के स्मृति में आयोजित होगा, जिसमें नगर की 45 प्रतिभाओं का
सम्मान होगा। वे ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, संगीत, क्रीड़ा आदि विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज कराई है। सत्र 2000 श्री मुरलीधर जी, कृष्ण कुमार जी कनोई के सौजन्य से, मैं 40वां कहूं या 42वां कहूं या 45वां कहूं, इतने कवि सम्मेलन आयोजित हुए इस मंच से कि यंग्स क्लब की पहचान ही यंग कवि सम्मेलनों के माध्यम से बनी है। तो यह कवि सम्मेलन अपने आप में एक भव्य कवि सम्मेलन होगा। 5 ऐसे कवि इस मंच से अपनी प्रस्तुतियां देंगे, शायद 4 भी बच जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बेहतरीन चयन हमारे क्लब स्तंभ क्लब के अध्यक्ष माननीय निर्मल जी भूतोड़िया ने किया है, निश्चित रूप से सराहनीय रहेगा। ईश्वर की कृपा रही, निश्चित रूप से आप उसमें शिरकत करें, ऐसा मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है। 9 अक्टूबर को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक सामाजिक कार्यक्रम, 7 अक्टूबर को एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में निःशुल्क स्वेटर वितरण कार्यक्रम हमने मोहरलाल काला बाल मंदिर में आयोजित किया है। स्वर्गीय मदन लाल जी काला की पुण्य स्मृति में श्री विनोद जी, शांतिलाल जी, प्रमोद जी काला के सौजन्य से हमारी नियमित गतिविधि है, वर्षों से चल रही है। और इस गतिविधि के माध्यम से हम जरूरतमंद सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित करने जा रहे हैं 7 तारीख को। इसी प्रकार 9 अक्टूबर को एक बेहतरीन नेत्र चिकित्सा लेंस प्रत्यारोपण शिविर क्लब में आयोजित होने जा रहा है, जसवंतगढ़ के स्वर्गीय राम प्रसाद जी उषा देवी मालपानी के स्मृति में होगा, उनके परिवारजनों के सहयोग से होगा। लंबे समय के बाद मैं मास्टर जी को बताना चाहता हूँ, नेत्र शिविरों की श्रृंखला पुनः आरंभ हो जा रही है। सरकारी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई थी, कुछ लिमिटेशंस थी, हम नहीं कर पाए, लेकिन ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, इस संभाग के लिए सौभाग्य का विषय है कि नेत्र रोगियों को एक बेहतरीन उपचार की सुविधा लेंस प्रत्यारोपण के माध्यम से निशुल्क होगी। और डॉक्टर मोहन जैन साहब के अस्पताल के बेहतरीन नेत्र रोग चिकित्सक माननीय डॉक्टर अपूर्व जी कोटिया अपने अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में नेत्र रोगियों के निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है मैंने आपको बताया, राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा यह आयोजित हो रहा है। माननीय कन्हैयालाल जी, कमला देवी जी डूंगरवाल का हमें सहयोग इसके अंदर मिला है। और आप देखेंगे इतने बेहतरीन 31 कलाकार हैं जो प्रस्तुतियां देंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक बुंदू खान लंगा, जिन्होंने विदेशों के अंदर राजस्थान प्रदेश को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर गौरवान्वित किया है, और उसके साथ ही पद्मश्री जौर खान जी मेवाती, उनके सुपुत्र यूसुफ जो कि इंडिया गॉट टैलेंट में जिन्होंने शिरकत की है, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे जो है जो संघ भपंग वादक, अब भपंग का वादन का अपना यहाँ पर जो है प्रस्तुति देंगे। अपनाथन पार्टी, जिसके माध्यम से आप देखेंगे चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य तथा घूमर नृत्य। अशोक शर्मा इन पार्टी जो भरतपुर से आई है, मयूर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। मनोहारी दृश्य इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी जोधपुर का, एकेडमी की प्रतिनिधि माननीय शशि बालाजी हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहता हूँ जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ परम सम्मान्य कन्हैयालाल जी डूंगरवाल, कमला देवी जी डूंगरवाल का। करतल ध्वनि के साथ आप इनका सम्मान करें, मंच गूंज उठे। इनके हमारे सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय प्रदान किया। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप हमारे सभी सुधी श्रोताओं, दर्शकों का मैं मंच की ओर से, क्लब परिवार की ओर से, मातृशक्ति का मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ कि गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है सुर सजाते रहो। नगर सभापति खिलजी साहब, क्लब के साथ स्टाफ से लेके आज तक मचोली दामन का संबंध कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार मास्टर भंवरलाल जी जो आज के आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, नगर के उपसभापति माननीय बाबूलाल जी कुलदीप, इस कार्यक्रम को लालित्य और सौजन्य प्रदान करने वाले
मेरे अग्रज आदरणीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल, कमला भाभी जी, कोलकाता की प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था महावीर सेवा सदन, जिन्होंने 2 लाख से अधिक आर्टिफिशियल पांव जो जयपुर फूट है वो कोलकाता और पूरे देश विदेश में लगाए हैं, उस संस्था के 30 सालों से स्थापना से लेके अब तक सचिव हैं श्रीमान रंजीत सिंह जी सिंगी, मैं कहता हूं जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। इतना बड़ा सेवा का काम कलकत्ता जैसे महानगर में इनके सानिध्य में हो रहा है, हमारा सौभाग्य है कि आप यहां कोलकाता में हैं। जनाब अब्दुल करीम जी खींची, बहुत पुराना संबंध इनसे, व्यक्तिगत ताल्लुकात, फोन पर ही किसी काम का बोल देता हूं तो सहज भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं। श्री सुनील जी सड़ूवाला हमारे अनेकों प्रकल्पों की पृष्ठभूमि और उसके क्रियान्वयन में जिनकी अहम भूमिका रहती है, सुजानगढ़ के सामाजिक और सांस्कृतिक वैभव में भी अभी उन्होंने 4 चांद लगाए। मैं पुनः इनको बधाई देता हूं कि युवा पीढ़ी एक नया सृजन का काम लेके आगे बढ़ रही है। आज हमारे बीच उपस्थित है राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी की प्रतिनिधि शशि बालाजी, जिनको 2-3 आयोजनों को छोड़कर सुजानगढ़ भेजा गया। मैं सुजानगढ़ की माटी में आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सुजानगढ़ की धरा वो धरा है जहां किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे संगीतकारों को प्रतिस्थापित करने वाले संगीतकार स्वर्गीय खेमचंद प्रकाश, वंदे मातरम का पहला कंपोजिशन करने वाले स्वर्गीय जमाल सेन जी, पद्मश्री साहित्यकार स्वनाम धन्य कन्हैयालाल जी सेठिया, और कोरियोग्राफी की दुनिया में बी सोहन लाल, बी हीरा लाल और पद्मश्री सुंदर प्रसाद जी, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित पंडित गौरी शंकर जी, लंबी फहरिस्त 300 हिंदी फिल्मों में कोरियोग्राफी करने वाले पंडित बी हीरा लाल सोहन लाल जैसे लोग, डूंगरास गांव से आज चिन्नी प्रकाश जो है उन्हीं का भतीजा है, वैभवी मर्चेंट हीरालाल जी की दोहिती है, सरोज खान सोनलाल जी की शिष्य है, ऐसे लोग जो आज भी फिल्म इंडस्ट्री की कोरियोग्राफी पर अपनी पकड़ और जिनका अपना दमखम है, ऐसे लोग सुजानगढ़ और सुजानगढ़ के छोटे छोटे गांवों से निकलकर देश विदेश में जिन्होंने अपना नाम अर्जन किया और सुजानगढ़ का नाम बढ़ाया, क्लब परिवार इस कोशिश में रहता है कि ऐसे लोगों से हम माटी से जोड़ते रहें। शंकर शंभू जैसे कव्वाल जो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के पगड़ी बंद कव्वाल थे, उनकी कव्वाली से ही वहाँ वो ख्वाजा साहब की दरगाह में उर्स का मेला प्रारंभ होता था। ऐसे ऐसे कलाकार सुजान वो इणपाल सर के थे शंकर शंभू जी, उनके लड़के कल आने वाले थे राम शंकर जी आयोजन में शिरकत करने, किसी विशेष काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा, आप जी टीवी पर भी उनको देखते होंगे, जो बच्चों का लिटिल चैम का जो प्रोग्राम आता है उसके वो जज भी हैं पंडित राम शंकर जी। ऐसे ऐसे लोग इस सरजमी से निकले हैं, इन गांवों से निकले हैं, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उस सांस्कृतिक वैभव को अक्षुण्य रखें, उस सांस्कृतिक जो धरा है उसका मान सम्मान हम बढ़ाएं, और भाषा और संस्कृति को अगर हम भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा। हम इस पाश्चात्य होड़ में अगर उस चकाचौंध में लीन हो गए तो हमारा जो मूल स्वरूप है संस्कृति का वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये राजस्थानी लोक कलाकारों का प्रोग्राम यह करते हैं कि आप बाड़मेर की संस्कृति से भी रूबरू हो। और एक विशेष बात में आज के कार्यक्रम में भाई गिरधर शर्मा ने सारा कार्यक्रम का डिटेल बताया, कुचामनी ख्याल एक बहुत उगम राम जी खिलाड़ी जो कुचामन के थे जिन्हें पद्मश्री से मिला, आज उनके ही शिष्य, एक बहुत मनोरंजक कार्यक्रम है कुचामनी ख्याल का, आज वो भी प्रस्तुतियां आज के कार्यक्रम में दी जाएगी। ऐसे सिद्धहस्त कलाकारों की ये इंद्रधनुषीय संध्या में आप सब पधारे हैं। मैं पुनः क्लब के 46वें स्थापना दिवस पर नीलम जयंती के अवसर पर आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। आप सब लोगों ने समय दिया, विशेष रूप से अतिथियों ने,
जो सम्मान हमारा स्वीकार किया उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और स्वनाम धन्य सोहन लाल जी सूटी देवी डूंगरवाल के प्रति क्लब व्यक्ति से अपनी तरफ से और क्लब परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि ऐसे यशस्वी पुत्र जिन्होंने आप उनके व्यक्तित्व का आभास ऐसे ही लगा सकते हैं कि कन्हैयालाल जी भाई साहब का बाह्य व्यक्तित्व जितना आकर्षक है उससे कहीं ज्यादा उनका आंतरिक व्यक्तित्व और कृतित्व उससे ज्यादा मनमोहक है। ऐसे लोग जो मेरा पत्र गुवाहाटी इनके पास पहुंच जाता है तो दूसरे दिन इनका फोन आता है कि निर्मल इस काम में हमको क्या करना है। ऐसे उदार मना लोग, पहले 8 तारीख को भी हमारा एक मेडिकल कैंप और होने वाला था, वो इन्हीं के सौजन्य से हो रहा था। हम दानदाताओं का सम्मान भी करने वाले थे लेकिन करवा चौथ का पेशेंट्स को टाइम भी दे दिया गया लेकिन करवा चौथ का मौका था इसलिए डॉक्टरों की कुछ प्रतिबद्धताएं हो गई, वो आ नहीं सके। आगे कार्यक्रम का हम लोग नियोजन करेंगे और सेवा का कार्यक्रम भी इस सांस्कृतिक वैभव के साथ, इन जो मनोरंजक प्रस्तुतियों के साथ चलता रहे, ये हम सब लोगों का प्रयास है। आप लोगों का आशीर्वाद और वरदस्त इसी तरह से बना रहे, पुनः आपके प्रति कृतज्ञता। धन्यवाद। जय हिंद। कल्पना के क्षितिज, मैत्री और मानवता के पर्याय, राजस्थान, नहर, जेल, पंचायत राज, शिक्षा विभाग के भूतपूर्व मंत्री माननीय मास्टर श्री भंवरलाल जी मेघवाल, जिनके चिंतन में कल्याणकारिता, भाषा में सत्यवादिता और चरणों में लक्ष्य तक पहुंचने की गतिशीलता है। ऐसे ही कुशल राजनीतिज्ञ और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मास्टर श्री भंवरलाल जी मेघवाल से मेरा सादर अनुरोध कि वे अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को प्रेरित करें, हम सभी को लाभान्वित करें। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष नगर परिषद सुजानगढ़ के सभापति भाई सिकंदर खिलजी, नगर परिषद के सुजानगढ़ के उप सभापति भाई बाबूलाल जी कुलदीप, यहां पर अभी आपको मालूम है कि एक हफ्ते पहले ही मैं सोच रहा था कि क्या कोई नई जेनरेशन सुजागढ़ में पैदा होगी, तो उस नई जेनरेशन का नाम है सुनील जैन। खड़ा हो तू एक बार, ये सुनील जैन के लिए तालियां बजाओ भाई। इसने 3 दिन तक लगातार, अब विराजो, 3 दिन तक लगातार सुजानगढ़ के लोगों के लिए आपने जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करते हो वैसा आयोजन इसने किया। मैं इसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि तू आगे चलता चल कारवा बनता चलेगा और सुजानगढ़ में एक नया यंग्स क्लब को एक बहुत अच्छा साथी आपको मिला है ताकि वो कारवा आपका बढ़ता चलेगा। मेरी बात से सहमत है यंग्स क्लब? ठीक। आज के इस प्रोग्राम के अंदर डूंगरवाल परिवार जो गुवाहाटी के अंदर विशेष तौर से, वैसे मेरे पास लिस्टें तो सब की है लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, या मैं क्या कहूं कि मैं बाहर कम जाता हूं, यानी मेरा गुवाहाटी में कभी जाना नहीं हुआ लेकिन डूंगरवाल परिवार का नाम सुजानगढ़ के अंदर मैं समझता हूं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला परिवार है। आप हमेशा यंग्स क्लब को मदद करते हो, भाई निर्मल का जब भी फोन आता मेरी बात होती रहती है भी सुजानगढ़ के कौन से प्रवासी नागरिक हैं। अभी हम एक बुकलेट बना रहा हूं मैं सुजानगढ़ की, आप सब लोगों के सहयोग से आपको ही दूंगा, वो काम आपको ही देना पड़ेगा। उसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे, क्योंकि हमने आपने एक फेडरेशन बनाया है जिसके अध्यक्ष आपने वीणा कैसेट के केसी मालू जी, मैं भी उसमें शामिल था, तो हमने पूरे हिंदुस्तान का एक फेडरेशन, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अपना सुजान का प्रवासी होगा उस फेडरेशन में सारे जितने भी हो, चाहे वो गुवाहाटी के हो, चाहे वो आसाम के हो, चेन्नई, बेंगलोर, कहीं के भी हो,
तो ऐसे सुजानगढ़ अपने आप में एक नाम रखने वाला है, तो उसमें डोंगरवाल परिवार है, दूसरे सिंह जी। मैं कहना चाहूं, मेरे को सिंह जी वास्तव में मालूम नहीं था, क्यों? मैं तो जयपुर का फूट, जयपुर का जो पैर, भाई जिसी का पैर कट जाता है उसके पैर को बनाने के लिए जयपुर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जयपुर के फूट का नाम है, और उसके अंदर हमारे सुजानगढ़ के सिंह परिवार का 2 लाख में योगदान रहा है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि हालांकि पैर किसी का टूटे नहीं, पैर किसी का कटे नहीं, लेकिन चूंकि आप सब जानते हो आजकल गैंग्रीन की जुई होती है, तब डॉक्टर कहते हैं काटना पड़ेगा, और काटना पड़ेगा तो आपका फुट जो है लगाने के बाद पता नहीं लगता, धोती पहनने के बाद या पेंट पहनने के बाद, पैजामा पहनने के बाद, कि इसका नकली फुट है, पैर है या असली फुट है। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जितना आप करोगे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर उतनी ही दिन दूनी रात चौगुनी चढ़ती जाएगी, लक्ष्मी की कृपा कम नहीं होती, आप सब जानते हो। और आपके ये संगीत एकेडमी जोधपुर है, आपने प्रतिनिधि के रूप में इनको बुलाया है, उस प्रकार से कल छबील, मैं कल उसमें था 2 तारीख को मोहर्रम में था, लेकिन यहां तक मैं आ नहीं पाया, मेरे को कहीं जाना था, लेकिन आपके उस कार्ड में पढ़ा तो भाई खींची भी अपने आप में हर बार आपके साथ रहता है, कार्यक्रम करता है, तो भाई खींची जी। और आज इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाला, जो देख भाई निर्मल बात मोटी सी है, आप मुझे इनवाइट करते हो और मैं आपका गुणगान गाए बगैर रहता नहीं। अब नाराज तो नहीं होने थे सब, ये आपके जितने साथी है ना, ये साथी आप, क्योंकि आपके लिए कहते हैं कि भाई निर्मल का आदेश हो जाता है तब कोई बाकी नहीं देती। और सुजानगढ़ के अंदर, जहां सुजानगढ़ में ऐसे ऐसी महान हस्तियां, सुजान की महान हस्तियां हैं जिन्होंने संगीत के अंदर, साहित्य के अंदर, कला के अंदर, हर प्रकार की कलाओं के अंदर सुजानगढ़ का नाम आज तक इतिहास में रहा है, और उसको आगे बढ़ाने में यंग्स क्लब, जिसको मैं बहुत बहुत दोबारा बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं और कहना चाहता हूं, आप तो लगे रहो साल में 2-3 प्रोग्राम ऐसे करते रहो, हमें टाइम मिले या नहीं मिले, लेकिन आपके बीच में एक बार निश्चित तौर से मैं आने की पूरी चेष्टा करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने कल कार्यक्रम किया संगीत का, क्योंकि आपका कार्यक्रम, मैं भाई तिवाड़ी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, देखिए हमारी बात सुनो, यंग्स क्लब के सब साथियों को दे दिया, लेकिन अगर तिवाड़ी नहीं हो सुजानगढ़ के अंदर और इसका कैमरा नहीं चले, और पहले थार के नाम से था, अब SGN अलग नाम से इन्होंने कर दिया, इसकी देख लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि संगीत का कार्यक्रम आपने किस प्रकार का किया। मैं बहुत बहुत उस मामले में भी भाई तिवाड़ी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बिना किसी लाग के, बिना किसी लपट के, और बिना किसी और प्रकार के, और प्रकार का आवाज समझते हो, ये निस्वार्थ स्वार्थ भावना से काम करता है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके साथ साथ आपके यहाँ के पत्रकार, आपके संवाददाता आपका साथ देते, पता नहीं क्या बात है, आपका कलम का कार्यक्रम तो अनिश्चित तौर से अखबार में छपता है, और अखबार में छपता है तो पता लगता है आज की तारीख में संगीत संध्या होगी, आज की तारीख में दूसरा कार्यक्रम जो भजन का होगा, आज के कार्यक्रम कवि सम्मेलन होगा। अब कवि सम्मेलन वाले दिन आपको देखना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कवि सम्मेलन अपने आप के अंदर बिरला ही है। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मेरा कार्यक्रम आपने 5-7 दिन पहले ले लिया और हमारा कार्यक्रम अलग बन गया, 12 टूट झालावाड़, और मैं ही उसका कार्यक्रम का करने वाला, लेकिन मैंने साफ कह दिया हमारे अध्यक्ष को कि मैंने कहा सबसे पहले मैं मेरी जो माटी है, जो मेरा क्षेत्र है, उसको छोड़ करके आपके पास आने वाला नहीं हूं, मैं कल सुबह 10-11-12 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए ये कार्यक्रम आपने, मैं तो अच्छा हुआ कि आप मेरे को पहले टाइम ले लिया, वरना बाद में मैं देता ही नहीं देता तो मेरे में ओढ़ चढ़ जाता, देखो आप ही आए नहीं, ऑडियंस अब देखो खचाखच बढ़ने लग गया। मणियार,
ये जैसलमेर बाड़मेर ये जो एक क्षेत्र है जोधपुर डिवीजन का क्षेत्र है, मैं तो रोज देखता हूं कार्यक्रम, रोज देखते हैं। चरिका कार्यक्रम एक अपने आप में काबिले तारीफ कार्यक्रम है, चरिका कार्यक्रम, लंगा का कार्यक्रम, लंगा और मणियार, और उसके बाद में आपके अलग प्रकार का जो कार्यक्रम जो आपने अभी बताया है भाई, हमारे आप नहीं है, बहुत होशियार आदमी है, और होशियार आदमी इसने सारी बात, और उसके बाद में आपने भी इनके ऊपर थोड़ा सा और लगा दिया। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ऑडियंस कहेंगे कि भाषण देना चालू हो गया, तबीयत भी दो तीन दिन से थोड़ा सा एक चेंज हो रहा है, मौसम भागदौड़ ज्यादा रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका यह कार्यक्रम बेदस्तूर शानदार तरीके से जो चल रहा है, भविष्य में इससे भी आगे बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम करता रहे इन्हीं भावना के साथ, क्योंकि लंबी भाषण की आवश्यकता नहीं है। अब आपका कार्यक्रम आप चलाओगे, नहीं तो कह देंगे ये नौ तो बज रहे हैं, 8:30 बजे का 8 बजे का टाइम था, 8:30 बजे लोग आए, हम ठीक 8:30 बजे आगे, 9 बजे स्टार्ट करोगे, इसलिए लोग कहेंगे कि भाषण के लिए थोड़ा ही बुलाया, मैं तो संगीत के लिए। ऐसी इत्मान है, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबको कामनाएं, आने वाली दीपावली की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। हालांकि मंदी का दौर बहुत चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और आपसे कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दुगुनी तिगुनी चौगुनी बने, इन्हीं भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। तिरंगा एवं पार्टी से गीत की प्रस्तुति हेतु एवं आज के इस कार्यक्रम के आगाज हेतु Ah!
अरे बढ़ता लव बिनड़ी रे
मारी नन दल दे रे कुड़िया Oh,
एक बहुत ही Thank you.
के लिए कटे हुए तुम्बे से बने इस वाद्य पर एक और चमड़ा मढ़ा हुआ होता है तथा मध्य में छेद करके तांत डाल दी जाती है। इस तांत पर अपनी पकड़ व उंगलियों के आघात द्वारा विभिन्न प्रकार की लयात्मक ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तन मन में थिरकन पैदा करने वाले इस वाद्य को विशेष रूप से मेवात इलाके में प्रसिद्धि प्राप्त है। रह चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने ये जो राजस्थान का सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, हम भी अलवर जिले के रहने वाले हैं। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जरा गौर फरमाए कि सबसे पहले क्यों ना लूं, कि सबसे पहले क्यों ना लूं अपने उस भगवान का नाम, कि सबसे पहले क्यों ना लूं अपने उस भगवान का नाम। क्या बात है, सबसे पहले क्यों ना लूं अपने उस मौला का नाम, और दान ये महफिल में दीगर सुनने वालों को मेरा सलाम। शुक्रिया, दान ये महफिल में दीगर सुनने वालों को सलाम। कि हौसला देखो मेरी शादा दिली का यारो, हौसला देखो मेरी शादा दिली के यारो, और इश्क करता हूं मगर इश्क को समझा भी नहीं, इश्क करता हूं मगर इश्क को समझा भी नहीं। ए अकल वालों मेरा मियार जुनू तो देखो, मरता हूं, और वो कौन है कि ना कोई दोस्त ना हमदर्द ना हबीब मिला, ना कोई दोस्त ना हमदर्द ना हबीब मिला, और खुशी जो मांगी तो फूटा हुआ नसीब मिला, खुशी जो मांगी थी फूटा हुआ नसीब मिला। भाई खुदा से आस लगाई थी हम गरीबों ने, खुदा से आस लगाई थी हम गरीबों ने, और खुदा मिला भी तो अपनी तरह गरीब मिला। वाह, खुदा मिला तो अपना तरह गरीब मिला, खुदा मिला तो अपनी तरह गरीब मिला। अश्रु बाबा, हम लोग अलवर जिले से हैं, मगर अलवर जिले की एक अपनी परिभाषा है, बिना मात्रे का जिला हमारा, बिना मात्रे का जिला हमारा जिसकी निराली शान है, बिना मात्रे का जिला हमारा जिसकी निराली शान है, और मेवा के अंचल पास में ये पूर्वी राजस्थान है। अब जहां से शिक्षा शुरू होती है वो पहला आखर आता है, और बाकी आखर तीन बचे उनसे लवर हो जाता है। अब लैग को हटाओ तो वर ही कहलाता है, ये वर तो सबको प्यारा है, और राजस्थान राजधानी में वो अलवर जिला हमारा हमारा है, राजस्थान राजधानी में अलवर जिला हमारा है। मैं मुस्लिम हूं लेकिन दिल में एक जज्बा रखता हूं। कौन सा जज्बा? कि हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं का मंदिर मुसलमानों की मस्जिद, हिंदुओं का मंदिर मुसलमानों की मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा ईसाइयों का गिरजा, सिखों का गुरुद्वारा ईसाइयों का गिरजा, यहाँ गिरजा वहां गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, ये चारों उसी के दर है जी चाहे जहां।
हैं, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर कहीं मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बना बैठे। हमसे तो अच्छी जात है इन परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। अलवर जिले की दिली तमन्ना है आपके सामने रखने जा रहा हूं। हम लोगों के कहा जाता है देसी भाषा में खिचड़ी, सभी लोगों को सुजानगढ़ में वो मैं खिचड़ी खिलाना चाहता हूं। कौन सी खिचड़ी? भाई काम क्रोध मद लोभ मोह, ये चार ही चीजें बस इंसान के पास, काम क्रोध मद लोभ मोह, साथ में भेदभाव को लीजिए, इन चारों को धैर्य मुट्ठी में बांध लीजिए, ईमानदारी का चाकू लेकर इनको काट लीजिए, अकल के चूल्हे पे ज्ञान की हांडी को चढ़ा दीजिए, उसके नीचे शांति की आग लगा दीजिए, एकता का चम्मच लेकर उसको चला दीजिए, भाईचारे की थाली में अब उसको परोस लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाने बैठा दीजिए, और आखिर में भाई पानी पी के ममता का कह दो सबको शान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो हमारा एक लोकगीत एक ही शब्द पर आधारित है, और वो शब्द है टर। पूरी दुनिया में किस प्रकार ये फैला टर, एक चीज में तीन तीन टर हैं, हमारे जीवन में आने वाली कौन कौन से टर मैं आपके सामने रखना हूं। हरी हो रही है टर ही टर, हर बच रही है टर ही टर। देखिए साहब, एक होता है टर और एक होता है टर। अर हो रही है टर ही टर, अरे मच रही है टर ही टर, अरे ये दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर, दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर, हो रही है टर ही टर, बताइए टर ही टर, ये दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर, सबसे पहले टर हमारे आने जाने में ही काम आता है। क्या करता है आने जाने में टर? क्या करता है? एक ढोलकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर, ढोलकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर, और मोटर में भी रहवा लगो देखो कंडक्टर, मोटर में भी रहवा लगो देखो कंडक्टर, और हर इंजन को जो तेल देवे वो है फिल्टर, या दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर, दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर, हो रही है टर ही टर, या दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर, या दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर। हां साहब, आगे टर हमारे ये फैशन में क्या करने लगा? फैशन में टर आया, देखिए ये फैशन में क्या करता है टर, अब आगे चलो दुकान सेठ की बिक रही कोनिस्टर, गज फुटों की नाप नहीं है नाप बनी मीटर, हर मीटर का भी बीच में है सेंटीमीटर, या दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर, दुनिया में देख ले हो रही है टर ही टर। प्रशासन में आया, अब देश में जो राज करते वो है मिनिस्टर, देश में जो राज करते वह है मिनिस्टर, एक संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर, संस्थान के बड़े साहब को
आया है। क्या करने लगा? क्या करने लगा? अब हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टर। अब हॉस्पिटल में जाके देखो पावे डॉक्टर। वो डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर। डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर। पढ़े लिखे लोग कंपाउंडर कहते होंगे, मगर अपन तो गांव का आदमी आज भी कंप्यूटर कहे हैं। अब डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर। डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर। और एक सफेद सी साड़ी में डोले ऊ है सीसी पर, या दुनिया में देख ले हो रही है कभी कर। या दुनिया में देख ले हो रही है कभी कर, हो रही है कभी कर, कभी या कभी कर। या दुनिया में देख ले हो रही है कभी कर, या दुनिया में देख ले हो रही है कभी कर। अब ये डर हमारा घूमता हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया। अब स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ाए मास्टर, स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ाए मास्टर। और मास्टरों को चेक करता वो है इंस्पेक्टर। मास्टरों को चेक करता वो है इंस्पेक्टर। एक हर कक्षा में बच्चा मिलता वो है मॉनिटर। या दुनिया में देख ले हो रही है डर डर। या दुनिया में देख ले हो रही है डर डर। हो रही है डर ही डर। या कभी डर। या दुनिया में देख ले हो रही है डर। मगर स्टर ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये डर 100 में से 99 घरों में डर का बोलबाला है किसी न किसी रूप में। इतना घूमने के बाद ये डर घरों में आई और क्या करती है घरों में डर, जरा गौर फरमाएं। क्या करती है? अब आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर। आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर। और सब्जी को जब झोल बनाई डाल दियो वाटर। सब्जी का जब झोल बनाई डाल दियो वाटर। और गरम मसालो डाल के हमें डाल गई मटर। गरम मसालो डाल के हमें डाल गई मटर। पहले हमारे राजस्थान में जब मेहमान आते थे तो दूध रावड़ी से स्वागत करते थे। अंग्रेजों का टाइम आया चाय पानी हुआ। लेकिन आजकल तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। हर बाबूजी जब खाबा बेटा खोल लियो क्वार्टर। या दुनिया में देख ले वो रिये करी कर। ये था आपके सामने लोक गिटार। और जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है एक गिटार का है, मैं बजाऊंगा। मेरे साथी कलाकार मेरे साथ थोड़ा सा मुकाबला करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जरा गौर फरमाएं। इंजीनियर
इंजीनियर जैसे पद को छोड़ करके लोक संस्कृति के पद को चुना और 1998 से इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अगली कड़ी में पेश है सीमा सपेरा एवं पार्टी द्वारा भवाई नृत्य। तू जानी
लगे को अपने गायन के साथ Ah
जिन्हें खाजा बुलाते हैं वो लाले मोरी ही पूछी अपीरा तेरा नहीं
शिशुपाल नाट्य दल द्वारा हास्य लघु नाटिका कुचामणि ख्याल नाटिका है। बाल विवाह दहेज प्रथा पर आधारित लघु नाटिका जो पहली बार द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के मंच से हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सब। अरे सुने चंपा की माँ, अजी कई बात है? ऐसी बात है, आपने चंपा बड़ी है की है चको? तो भी को ब्याह करना है हाँ। तो पंडित जी महाराज ने बुलाओ और चौको लगन दिखा और ब्याह करो। कोई बात क्यों नहीं, मैं जाऊँ पंडित जी के, पंडित जी ने बुला ले रहा हूँ। भाई जी ने प्रणाम, खुश रहो। देखो आज आपने जल्दी से पंडित जी ने लेके आओ और आपने जो कन्या है इसकी जल्दी से शादी करनी है, ये वास्ते पंडित जी ने आवाज लगाओ जो आदेश। अजी पंडित जी महाराज, ओ पंडित जी महाराज आइए काम कर रहे जी। अजी महाराज हाँ महाराज, पग तोड़ पाए लागो सिर पर सुखी रहे वो। पधारो पधारो महाराज, आज महाराज कुसी रहे हो जुजमान, नेन थका दोनों फूटो पड़ो देर के माय दांत बत्ती सू टूटो, जाओ देश विदेश तो चोरड़ा थाने लूटो और पड़ो जेल के माय उम्र भर मतना छूटो। अजी महाराज यानी कहीं आशीष दे रहे हो आप? तू कहीं कियो माने? मैं तो महाराज क्यों आपके पाए लगू? पाया लगो थका कर कंगे तो महाराज एन कनो महाराज पके लगू। अच्छा अच्छा तो महाराज एक बात बताऊं आपने, आज मैं आपने क्यों याद करे है? माने क्या वास्ते बुलाया? आज मारी लड़की रो ब्याह है। आपकी लड़की को ब्याह है? हाँ। कट्टे था की चंपा? मारी चंपा। आप कितना वर्ष की है महाराज? बाहे बरसाऊ आपने कहीं करना, आपने शादी करवानी है? नहीं नहीं मैं बरसा बिना वो काम कौन करा। क्यों महाराज कहीं बात है? अरे मामे आगे धोखा हुई ओड़ा है। कहीं एक जगह ब्याह कराने किया बट लड़की छोटी लड़को ही छोटो। अच्छा लड़की का माँ बापा ने हाँ। लड़का का माँ बापा ने हाँ। बेड़ बेड़ माने लोग मायने दर दिया। अच्छा तो महाराज कितने साल की होनी चाहिए? कम से कम 18 साल की होनी चाहिए महाराज। मैं देखूं पहले लड़की ने, मारी लड़की पूरी 18 साल की दिखाऊं आपने? पर मैं देख के अभी रखो नहीं मानू। ये भाई चंपा। हाँ भाई साहब। महाराज ने प्रणाम करो। महाराज पैर धोलू। आ गई ताकि चंपा। आ मारी चंपा। अजी महाराज कहीं हो हैं? ताने टाए एक बार छोटी गिर हाँ। मैं आपके भागवत भाजपा आयोजन। अच्छा एक बार हमारे भागवत को पानो फाड़ लियो। पानो फाड़ लियो महाराज? तो बच्ची ही जो आपको पानो फाड़ लियो अब नहीं फाड़े। अबे आप रे काई करनो बोलो हुकम करो। अब देखो भाई ने मारे ब्याह करनो अच्छो सो लड़को ढूंढ लाओ ताकि मैं की शादी करा। लड़को लखना को लाडो हाँ, गुणा को गाडो गाडो, नामे पाडो पाडो और पड़े पड़े हाँ। तो महाराज कट पड़े जोधपुर चापासनी स्कूल में। अच्छा तो जल्दी बुलाओ। अरे बेटा ततिंगड़नाथ आउरो ब्याह करू तारो। Yeah.
अरे बना हाँ ओ कहीं करियो थे ओ कहीं करियो अजी मैं तो चावल चेपे तो चावल ना अट क्यों चेपिया अट चेपना अजी बना ये चावल अट चेपा का कोनी चाहे तो अट चेपो चाहे अट चेपो एक ही है बना हाँ अब आप यान करो ओ थारो फुकड़ मले अरे बेटा थारे सासु लागे जको तने पुके नहीं मैं पाछो की जुआ नहीं काली पीली दाल चिना किए लूर बाजे ए बेटी मत दीजे लूर बाजे मां सुजानगढ़ का लोग बाटा गणाए लूर बाजे बाबा जी काई रे आलू गई मन नापे अरे नापे कोनी बेटा थारे सासु लागे जको तने पुके नहीं नहीं अना अना पर मरमा लोन उठाई क्या को ग्रामीण बैंक को अजीब अजीब बना ओ कोई लोन को नहीं उठावा अब आप यान करो पधारो मरे सागे और फेरा खालो कोई बर्तन में गाल ऊंचा रख दो शुभ नाश तो करा कहीं गेरा अजी गेरा नहीं तो आपको ब्याह करा आपकी शादी ओहो मेरी शादी है हाँ मेरी शादी है तो आपको पता नहीं है क्या क्या यह है मेरी पूरी बरात अच्छा आपकी बरात है ये है मेरी पूरी बरात मेरी बरात में माता बहनों भाई सजन हाँ और हमारी कॉलेज के इंस्ट्रूमेंट अच्छा इंस्ट्रूमेंट कैसे बोलिए स्टूडेंट वही बात कहना चाहता हूँ ये बोलते हम पहले तुम्हारी लकड़ी को देखेंगे अरे बना लड़की नहीं लड़की हाँ बना हाँ मारे गाँव रे मान यो रिवाज है कि मैं लड़की ने पहले कदई नहीं दिखावा लेकिन ये हमारी कॉलेज की नॉलेज है बना अगर आप मेरी बात सुनो हाँ आप पहले लड़की दिखा दो तो हम शादी कर सकते हैं अच्छा और अगर नहीं दिखाए तो फिर नहीं तो फिर आई डोंट लाइक स्पीकिंग दिस इज रॉन्ग अरे बना करो कहीं हो बना कहीं करो कहीं बोलो थे दिस इज माई यू आर अंडर अरेस्ट अरे कहीं जेल कहीं करो बना कोई जेल में बैठा हो लगे माने अरे बना बाकी लड़की चांद मुछीरे जैसी है बाकी लड़की चांद मुछीरे जैसी है लेकिन वो बींद है जो को हुरुज को टुकड़ो है चलो फेरा खाई लो अगर फेरा ते नहीं खाओ ना तो मैं थाने जबरदस्ती फेरा दे देवा जबरदस्ती मारे साथ में करो तो मैं कोई तालाब में पड़ जाऊं तालाब नहीं है तो कुआं में पड़ जाऊं अरे नहीं भगवान और कुआं नहीं है तो हेडपंप में फिट भेज जाऊं नहीं नहीं अरे मैं पीदड़ी ने देखा बिना हो पीदड़ी ने देखा बिना ओ फेरा को नी खा ले रे भाई पीदड़ी ने देखा माता बहना ने मैं क्यों मारा बंदड़ा का होगा बेटी बेटी का ही करो हाँ अरे तन माडानी परणाम तो माडानी परणाम तो मैं मेरा में पड़े क्या बुरे भर माडानी परणाम तो बाकी लड़की के तेल चढ़ियो है लेकिन ये बींद के केरोसिन से जुड़ी रो भाई भाई अरे राम मारिया केरोसिन नहीं कोई चढ़िया करेगी मन करे पेट्रोल ही चढ़ी जाया करे अरे तेल चढ़ेरी रवे कमारी जेटा पर लट जावे तो तेल चढ़
सगा संबंधी काले बात बनावे रे कोई सातरी बिन मरदो नो कठे पखावे रे बे बिनडी में ए ए ए ए लेके आ जाओ नहीं तो मारे बिना मारी कॉलेज फाट जाए। हां कोई बात नहीं, अगर एक कंवर साहब चित करबा लाग गया तो आप अपनी लड़की लेर दिखावा, कोई कहानी खोड़ी तो एक कोनी है, कोई कसर एक कोनी। अरे पर थाने डर खाई अपनी लड़की तो चांदू चिरे जैसी है। चलो 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 चंपा चंपा बोल भाई, थाने जो बना आया है वे बड़ा ही पढ़े लिखे है, बड़ा ही समझदार है, ये वास्ते भी एक बात को जीत कर लियो। अरे भाई काई बात को जीत करे वो तो बता। दे आके रे के मैं पहली लड़की ने देखूं जिको तू चाल मार सके और मैं तने पसंद करसी। मन्ने मुंडो देख इधर मुंडो, मारो मुंडो देख छी। अजी काई बात है तो मुंडो देख, हमको शर्म थोड़ी ना। अरे भाई मारी बात समझो कोनी। हां अगर मैं मारा पति ने पहली बार मुंडो दिखूं हां तो मने तो लाज आवे। ए पागल तू तो कह के मैं मारा पति ने मुंह दिखूं तो लाज आवे। और जीते मारी प्रात आई बीटे में झोका में दौड़ सामने गई। शर्माली तू, शर्माली भाई तू, शर्माली शर्माली भाई जिंदगी बितानी है भाई। हां चलो चलो तो अपन चल पड़े। बहारों फूल बरसा मेरा तुम्हारी लड़की। हाँ है मंग भाई। तो आप ऐसे करो वास्ती मुर्मू गेट गेट नाइट मोगलेट बना कहीं बोलो पिपरमेंट चॉकलेट। अरे बना को मतलब का ये मैं समझा कोने। वन डे आई एम गोइंग रेज माय फार्मिंग पिस्टन हेड माय ट्रेनिंग। अरे बना कहीं गला से कह दो समझा कोने। नहीं समझा। आप लोग समझा कौन समझा। इको कारण है कहीं क्या इंग्लिश में पढ़ाई मारी समझ में नहीं बैठ जन थांकरांग बैठे। तो आप देखो कहीं जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है हाँ? तुम यहाँ से चली जाओ। क्या? हम तुम्हारी लड़की को इंग्लिश के बारे में मीनिंग पूछना चाहता हूँ। अजी कान साहब आपने कोई मीनिंग पूछनी है तो माने क्या मैं अपना पूछो जवाब दे मत आने। थकों काम कौन चले हेउटी रूम काम चले। अजी बाकी भाई बोली डाली वास्ते मैं अकेली ने छोड़ा कोनी। हेउट तो अकेली छोड़ दो दाल पड़ी। अजी बाद में देखी जाए थाने बाकी भाई पसंद है। अरे पर हाल तुम पहले मैंने प्रश्न पूछ दो। अच्छा कोई बात नहीं बेन। अरे आ ना जाओ भाई पूछ बात तो आप कहीं है। हाय रे होय रे हाय रे भाई तो कोई मुंडो देखो रे। अरे भाई ए भाई कौन लगे मारी का मासी। अरे ओ बना एन कहीं करो भाई भाई कहीं करो। हाल पहले प्रश्न पूछा तो भाई कहीं क्यों था तो लुगाई है तारी। मारे कहीं लगे बींदनी लगे थके मारे लुगाई कहीं कटू लगे। हाल तो मैं कहीं खा लियो मारे भाई ये जी है यहां तो। अरे यार थोड़ी कह रही है मैं तो बस भाई नहीं लगे जना। तू कितनी अच्छी है अभी तक बच्ची है ओ भोली भोली है ओ प्यारी प्यारी है ओ माना। अजी कवर साहब करो नर्सड़ो करो ब्याह हो कोई दिमाग खराब है या कोई फ्यूज उड़ा तंग दिमाग का। पहले प्रश्न लिखूं हाल तो अजी ते मार क्या कदी मार कदी भाईओ काई लगा रखे हो लड़की। फाटक फाड़ कर तारा मुंड बता ओंडिश ओंडिश। अजी कवर साहब कहां आए हो। तुम्हारी लड़की दिमाग क्रैक माइंड फेल। कैसे। मैंने कहा लड़की तेरा मुंह बता दो ये बोल दे इसका मतलब मैं कोई भेषा हूं पांडा। अरे साहब आपने ये नहीं कियो ए बोल रहे के पहली बार अगर मुंडो देखे ना मोटार आपकी लुगाई को तो भी को नेग लागे। 500 रुपया क्या कर ले 500 रुपया मुंडो दिखाई का मुंडो दिखाई रे 500 रुपया हम मार्केट में वे तो थंग बाहर मुंडो देखा। हां नहीं तो जाओ
कोई नाई की दुकान में चार मुंडो देखो 500 रुपया 500 रुपया केगा मुंड दिखाई का मुंडा रा 500 हां ए तो मुंडा रा है 500 तो ए तो मुंडा का है कहो ए तो 500 रुपया मुंडा रा है हां फिर और पद लाड़ दो हिसाब की तो बैठ बताओ वो तो घणो बैठी समझे कौन से काई काई थाको भरोसा को दी काई थे अबार के वो बंदा 500 रुपया दे दो हां एर पद मारा हाथ तबीर करो देखो 1500 और दे दो देखो भाई तो लागे जी का लागे से तो पूरो ही मोल कह दो कि तेरी बल्ले हो अरे बना मांगे तो 500 इससे ज्यादा नहीं 500 रुपया हां ए ठकटा कियो मैं सुजानगढ़ किया अजी नहीं नहीं मैं नागौर जिला तहसील मेड़ता सिटी गांव माको मोकलपुर थे मेड़ता सिटी कियो हां और अपराध कटा किए कटा किए हाल मुकाम सुजानगढ़ हां जिला चूरू ओले नेशनल हाईवे रोड परमिट जब काई करे बना थाने ध्यान है हां एन तो मैं चूरू जिला लाख रुपए एक मिनट में उड़ाए था हां उड़ावा को उड़ा बोलन भाईसा और मां का खिदमत आ जाओ 8 नहीं कौन देवा अगला ने बाकेन तो थे तो कहो 500 का मैं फ्री पॉकेट मु देखना चाहता हूं अजी का साहब फ्री पॉकेट के मैं थांको बाप पे मुंडो कौन देख सके मारो बाप मुंडो देखियो किको थारी मां को दिखानी मैं देखा के थे थांकी चतरायो केन फ्री में मुंडो देखो मैं मां के भाई ने सिखाम भाई देखे बना जिद्दी खोरी बहुत है ई वास्ते तू थारो मुंडो नहीं दिखानो जब तक 500 रुपया नहीं देवे अब देखो मां की अकल की चतुराई प्यारे वर सजनों और मेरे साथियों और मेरे भ्रातियों पैसा देर मुंडो देखा या बिना पैसा ताली बजानी अबार नहीं बाद में मुंडो देखे बाद में देखो अब मां की अकल मैं आपके गांव में बरात ले रहा हो टावर टूबर लगाया बताया कि ओ हो बीद है कोई धर्मशाला है बीद कितना खूबसूरत है धर्मेंद्र का बाप और हेमा मालिनी का दादा लेकिन लड़की के थोड़ी सी कसर लड़की के इतनी सी कसर एक आंख फूटी हुई है अजी आप लोगों ने किया भाई फूट रही एक ताली बजाओ यार अजी कवर साहब वो कहीं हो रहे ऐसे ऐसे क्या हो रहा है हां ये मेरी बरात में घोड़े दौड़ रहे हैं तो मां के भाई आपने पसंद पसंद कौन ठीक ठीक है खैर कोई बात कुछ लेकिन कोई बात नहीं आपने ठीक ठीक पसंद है लेकिन मैं भी बाकी भाई ने मैं मारी भाई ने पूछूं पहले थे भी के पसंद हो गया नहीं हो नहीं थैंक भाई कह दियो कहीं कह दियो आपकी लड़की ने बोला हां हाय बाबूजी हां तुम कितने अच्छे हो तुम कितने प्यारे हो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं मैं पहले पूछूं बाद में बात करूं ते पूछ और बात नटी मार करम भूल इठा पड़गी बने तो ये भाई आए काई खावे लिखी ये काई हूं बात क्यों पड़े हां बोल ए बना थारे पसंद है कौन है ए बना ए ओ राखुडे बाबो बाबो कोनी थारो ढाबो अजी बना जी मैं ढाबा दुकान कौन गाल ली पैसा वे तो दुकान गाल ली तो शहर में घणी दुकान लगड़ी है देख भाई थारे पसंद कोनी ना मारी बात सुन ले इरे बेचे ई बाबा लारे पनावे है जिरे पीछे तो कोई बेरम में नेकती तुम्हार धमिड़ तो बोल तो कोई बात तू के बेरम पटकती धमिड़ बोल तो बेरा निकट जरूरत है मैं मिलिया बाद में 500 होशपुर को टुबेल मिली है समझ ले भाई अजा बना बने बना पसंद कोनी है अच्छा और आना तुरंत अटू बाहर काट दे ठीक है कोई बात नहीं बना हां बाहर चलो एक मिनट ना बाहर चलो अरे घर के मान करतम कर लगो मैं होलसेल इंटरेस्ट है हां मैं अब खाली जावा बिना बंदी जा तो बाकी शान का टक्कर रह जावे देखो आपको रुपए दे दूंगा 50,000 अरे बना धीरे बोलो 1,00,000 अजय धीरे अरे धीरे बना कोई सुन ले नील पदम जाला पर्दा कैंकी जाला पर्दा कैंकी कुत्तर की तूतड़ा की बना 50,000 रुपया हां ओ एक एक रुपया शाही को ओ या करो गरम कर थाके लीलाड़ के चेप लियो और आप पधारो माने कोई रिश्वत नहीं लेनी है ये वास्ते आप तो बैठो और फेरा खाओ पंडित जी महाराज ए मां के भाई ओरे कमर साहब आंको विवाह संस्कृत में विधि और विधान के साथ में होना चाहिए क्योंकि मां के लाड़का है क्या मैं करनो संस्कृत के मायने देखो हां सादो ब्याह करा लो तो रुपया लगे 2,000 अच्छा और संस्कृत का मंत्र बुलावला नहीं हां तो रुपया 4,000 लगेला चाची ई राज घराना के मायने मां की कोई कमी नहीं है ई वास्ते आप 4,000 क्यों आपने 5,000 देवा लेकिन विधि और विधान के साथ में संस्कृत में शादी होनी चाहिए तो भाई को काई नाम और भाई को काई नाम अजी महाराज साने भाई और भाई को नाम नहीं याद जणा छट काई ले पे वास्ते और तो माने में जल में काई नाला बोल गया है का भाई को नाम तो है गीगी हां और वीरा को नाम है गीगो जरा वो क्यारो पीको अजी महाराज वो कैरम केरो केन पियो भाई तो है चूतड़ी मंगल हां और बन्ना कोनी मोले मंगल जो को टेवा कोनी मिले का टेवा अजी पंडित जी महाराज के नहीं करा को टेवो मिलाओ और शादी में ले महाराज ऊपगड़ी के मान अब टाबर कटू आवे
अब दूसरा टाबर कटो लेना वा के नाराज नहीं हो तुम एक बात कह दूं कह दो ने टाबर तो मेरी हो थुंदड़ी महाराज अजी महाराज ते सोचो साडी पहले फोंदो में ही रंग लियो नहीं जानू साडी पहले में ही मारो फोंदो रंग नहीं नहीं आ कोई थे तो तेओ मिलो आज मिलो जरा पकड़ भाई भाई को आ ए भाई बहन के अरे मैं ब्राह्मण हां मैं क्या तो भाई रो भाई सही बात है अच्छा ले ओ जने संस्कृत संस्कृत में ओ बड़े का को मैं तो टूई कर दे हम नाल हां पकड़ लो ओम नांग नांग पति त्रुंग बिलम भूंगी बिलम हेबड़ी कड़म कड़म स्वागत अरे महाराज कहीं हो महाराज अरे ये गया दिखे महाराज तो महाराज अरे महाराज अरे महाराज वो कहीं है ये कहीं पार्टी बोली कहीं हो सांस सट को की तंगो सांस क्या को चढ़ गो जदे ते बार पहली कहीं की हो शादी संस्कृत में कर हाँ संस्कृत में होनी चाहिए संस्कृत की 108 लाइनें एक सांस में बोलनी पड़े ओहो ओम नांग नांग पति त्रणु मिलनु भूंगी पर में हेबी कड़म अजी महाराज दत्तो अजी महाराज अरे चल भाई ए तो दिया दे महाराज कर लो सिना देव गुरुदेव महाराज ई बट भाई महाराज मां के तो मारवाड़ी में कर दो महाराज आ थाली से इसकी पार पड़े कोनी है मारवाड़ी में तो ब्याह करवाएंगे मारवाड़ी में करा हां संस्कृत में नहीं नहीं ओम बुद्ध देवता माधुपति अस्मन् ब्रह्मा तस्मन् क्षत्रि श्यामा सेति श्याम प्रोदाय अस्मन् गस्मन् देवता उतार गंग पापा जी रे पापा जी भाई मारो हाथ पिंचे अरे चुप रे बोल रे ओम बुद्ध देवता माधुपति अस्मन् ब्रह्मा तस्मन् क्षत्रि श्यामा सेति श्याम प्रोदाय अस्मन् गस्मन् ऊट बींद फेरा खा सत्य बोलिया करता है ऊट बींद फेरा खा सत्य बोलिया करता है के जबल के ओ पेलो जी थे कोई ब्राह्मण हो के कोई और की हो क्यों कहीं हो थाने श्रम को ने फेरा करता हुए फेरा करता हुए इधर कता फेरा हुए मन कहीं टा करता हुए फेरा साथ ही हुए थे कता फेरा खुआ दिया ने है कता फेरा दिया ने साथ ही है वे कहीं हाँ थे नो दे दिया जो नो दे दिया कहीं हाँ चलो काबरा ऊँट और पाचा उदेड़ा हे महाराज कोई पाचा ही फेरा उदड़िया करे तो जरा मैं ब्याह करियोड़ा होनिया जना मैम काय करो थे मैं तो मां का ब्याह तो बड़ोड़ा भाई साहब करावे थे काय करो मैं तो कोई मरगो वे तो दोड़ने टोलिया करा ते मंत्र की बोले महाराज जरा मंत्र किसे बोले मैं ही बोल दिया कई पछ माने तो मैं ही आवे दूजा आवे ही कोनी दूजा तो आवे ही कोनी माने तो वा ठीक है महाराज आ उठो सीख देओ अबे अरे चला मारू मैं तो जारी मंदिर में मेल दो अरे एन कहीं दे रिया था मैं तो थाने पढ़ना यहां मैं कहीं करू मार 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 बाजी एन कर जोड़ जोड़ क्यों बोलो गंगा महारानी की अरे मैं तो थाका पिताजी ने माताजी ने गंगा जी गले जकाऊ बोलता गंगा महारानी की जय अबे एनी दे वो अब सुकून कर दिया अब पी रहे होते जाओ हां आयो से करो जिया आयो से
पाल दो बटे। आप भाई तो आपकी साथी सहेलिया और आपका माँ बापा ने छोड़ था के साथ में ससुराल जा रही इवास्ती रो रही है, लेकिन थे क्यों रो रहे हो? अच्छा माँ बापा ने का परिवार ने छोड़ मारे साथ चले जगह रोवे। हाँ, लेकिन थे? और मैं क्यों रहूं? हाँ। मैं ले जाऊं जगह रहूं। क्यों? तो डेट रोज माँ की उम्र ही रहूं। क्यों? पर कमार गाल में पड़ी, पर हम दो हमारे दो। अरे भीम राजा जी, तेरे पे बेल बुल जाए। लेकिन थाने देश में कहीं देवा देखो लाख रुपया तो थाने रोक कर दे, देवा हाथी देवा घोड़ा देवा लाव देवा लश्कर देवा फौज देवा पट नहीं की कौन चाहिए जरा थे देख दला बनना जो ये नहीं है। हाँ। नहीं मैं शिक्षित आदमी हूँ, पढ़े लिखे आदमी हूँ। अच्छा मैं तो फिर आयो भागो की वास्ते के मनोरंजन करने, मनोरंजन वास्ते। हाँ, मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने। अच्छा कि भाई देश लेने देनो, देश लेना भी मना और देश देना भी मना। हाँ। दूल्हा के लिए दुल्हन देश, दुल्हन के लिए दूल्हा देश। मैं पढ़े लिखे हुए हूँ तो नौकरी करूँ, किसान को बैठे हूँ तो खेती काम करूँ, नहीं तो आऊ ना समेरे मायने मारा पका मत खड़ो बेन की कर दिखाओ आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हो बना, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपने। अब गालो बने। बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीति के रोकथाम हेतु एक अनूठा अनुपम प्रयास हास्य नाटिका द्वारा द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के मंच से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अगली श्री कन्हैया लाल जी कमला देवी डुंगरवाल के सौजन्य से राजस्थानी लोक संगीत संध्या के इस कार्यक्रम में पहली बार सुजानगढ़ की धरा पर इस प्रकार की नाटिका का मंचन किया गया है, जिसमें कुरूतियों के रोकथाम का संदेश दिया गया है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रस्तुत है घूमर नृत्य।
प्रस्तुत है मयूर नृत्य अशोक शर्मा एंड पार्टी भरतपुर द्वारा। Oh,
हरी जी से मेरे मिलन की दो बातें करवा, लाडली दो बातें करवा दो, लाडली दो बातें करवा दो, चमा 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 हो ब्रजवान दुलारी से आधा जुगारी, हो ब्रजवान दुलारी से आधा जुगारी। देखिए कहते हैं यूं तो जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम है, और ताली वही बजाते चल के हाथों में राधे ठाकुर जी का दरबार लगा हुआ है। बोले मेरे कन्हैया आपके बीच में नृत्य कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे बड़े भाव से बड़े प्यार से, प्रसुभान दुलारी श्री राधा जो प्यारी, प्रसुभान दुलारी श्री राधा जो प्यारी, ओ बरसाने बारी के मैंने कहा जर मैंने कहा रे, मैंने कहा जर मैंने कहा रे, ओहो मैंने कहा जर मैंने कहा रे, था प्यारा सा मयूर नृत्य। होरी के दिनार मोते दुनी दुनी अटके, सिंगटा दिखाए गोरी नाच खोदे मटके, कांवरिया पकड़ी मेरी पिता बरी झटके, रसभान की किशोरी मेरे नैन में की बरसान प्रसुभान सुता, ये जोरी मनोहर ने धीरे से खोली, मैं कैसे होली खेलूंगी, या सावरिया के संग अरे रिमित कैसे होली खेलूंगी,
सांवरिया के संग Thank you.
ब्रजराज कन्हैया पूरी खेलन आए हैं। अरे जइयो श्याम बरसान गाम तोए होली खूब खिलाए दोगे हो पीको मजा चखाए दोगे। आए जइयो श्याम बरसान गाम तोए होली खूब खिलाए दोगे हो पीको मजा चखाए दोगे। आए जइयो श्याम बरसान गाम तोए होली खूब खिलाए दोगे हो होली को मजा चखाए दोगे। जाने हम जाने अब तू पूरी है हम बरसाने की चोरी है हमें बरसाने की चोरी है। गोरे मेरे गोरे गोरे गल मेरे कुल चाचार लगाए दोगे हो एक मजा चखाए दोगे। गलन में कुल चाचार लगाए दोगे होरी को मजा चखाए दोगे। आयोजन श्री कन्हैया लाल जी कमला देवी डूंगरवाल के सौजन्य से स्वर्गीय सोहन लाल जी सूटी देवी डूंगरवाल की पुण्य स्मृति में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा किया जा रहा है। ऊंचा ऊंचा धोरा अठे लांबो रेगिस्तान कोसा कोस रूंख कोनी तप तो राजस्थान फोगला अर केर अठे करे भूम पर राज गोडा वन राज जोड़ा अठे मरुधर राज ताज कोरी कोरी टी बड़ी उड़े रेत असमान सन सनाट यूं बाज रही जनु सरगम राग गीत सोनेरी धरती अठे चांदी रो असमान रंग रंगीलो रस भरो ओ म्हारो राजस्थान रंग रंगीलो रस भरो ओ म्हारो राजस्थान। पार्टी का कालबेलिया नृत्य के साथ कालबेलिया Thank you.
Thank you.
सौजन्य से द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के 46वें स्थापना दिवस के तीसरे दिन के आज के इस आयोजन में परम सम्माननीय कन्हैयालाल जी कमला देवी डूंगरवाल के सौजन्य से आयोजित इस आयोजन में आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 4 तारीख को प्रतिभा सम्मान समारोह है, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति इस मंच से दी जाएगी। 6 तारीख को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, आप सब बहुत धन्यवाद। फिजाओं को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आपके पधारने का बहुत 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 धन्यवाद, आभार, साधुवाद, कृतज्ञता, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सुजानगढ़ के यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ में जिस तरह का कार्यक्रम आज हुआ है, निश्चित रूप से सुजानगढ़ के इतिहास का यह सबसे खूबसूरत कार्यक्रम कहा जा सकता है, क्योंकि ये कला और संस्कृति की धरा है, जहाँ पर राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने निश्चित रूप से समा बांध दिया, जिसमें लास्ट में जो कार्यक्रम हुआ था वो हमारे कालबेलिया नृत्य जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और साथ में भव्य नृत्य, ये दो कलाकार आप देख रहे हैं हमारे साथ है, जिन्होंने निश्चित रूप से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा कालबेलिया है। आप कहाँ से बता रही हैं? मैं जोधपुर से हूँ सर। एक बात बताइए, जब इतना खूबसूरती के साथ नाचते हैं आप, इतना घूमते हैं, तो कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए सब? ऐसे हमारे बचपन से ही है, मैं 5 साल की थी ना जब से कर रही हूँ, हमारे को किसने सिखाया नहीं, मैं पहले मेरी मम्मी करती थी, मम्मी को देख के मैं सीख गई, तो अभी मेरी छोटी बहन है ये मेरे को देख के सीख गई, लेकिन हमारा कोई कारण नहीं कि किसी को सिखाना है, ठीक है, देख के सीख जाते सब लोग। कहाँ कहाँ कार्यक्रम दिया आज तक आपने? ऐसे इंडिया से बाहर ही किया हुआ है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सब जगह से। आपका क्या नाम है? पूजा कालबेलिया। पूजा, बहुत सुंदर नृत्य किया था आपने, वास्तव में खास तौर से जब आप घूमती है चक्री बन जाती है, तो बताइए कि कितना अच्छा लगता है, इतने लोग पसंद करते हैं कार्यक्रम को? बहुत अच्छा लगता है। आप कार्यक्रम करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं? कार्यक्रम ही करते हैं, पढ़ाई। आप भी केवल कार्यक्रम करते हैं? हाँ, कार्यक्रम ही करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं की आपने? नहीं की है पढ़ाई। मतलब अपना जीवन कला और संस्कृति को समर्पित कर रखा है? हाँ जी, बिल्कुल। कितना अच्छा लगता है, जो दुनिया में जाते हैं, विदेशों में लोग आपके कार्यक्रम की प्रशंसा करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, जब उनको अच्छा लगता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। परिवार के सारे लोग यही कार्य करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं, हमारा खानदान, हमारी पीढ़ी पूरा यही काम करता है, ठीक है, मेरी मम्मी पापा वगैरह सभी यही काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कार्यक्रम किया आपने, सुना है, ये इनका खानदानी काम है, और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति को, हमारे नृत्य को पूरी दुनिया में, जैसे बता रहे हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, कई देशों में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, और निश्चित रूप से जो विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, खासतौर से जैसलमेर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र में, तो ये कालबेलिया नृत्य है वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज यंग्स क्लब के 46वें वार्षिक उत्सव पर निश्चित रूप से इन कलाकारों ने इसका कार्यक्रम की खूबसूरती को, इस कार्यक्रम की गरिमा को बहुत बढ़ा दिया है। भारतीय कल्चरल संस्कृति के एक बहुत बड़े कलाकार मेरे साथ हैं इस समय, है यूसुफ खान, जो कि इंडियाज गो टैलेंट के सेमीफाइनलिस्ट हैं और विश्व के तमाम देशों में लगभग ये कार्यक्रम दे चुके हैं, और जो वाद्य यंत्र इनके हाथ में है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, भपंग इसको कहते हैं, और भपंग वादन में इनका कोई सानी नहीं है। आप सब देख चुके हैं जिस तरह से टीवी में अनेक बार जो इंडियाज गो टैलेंट के कार्यक्रम होते हैं उनमें इनके बिना वो कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका, सुजानगढ़ कला और संस्कृति की धरा है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो वाद्य यंत्र है ये किसकी देन है? ये वाद्य यंत्र, इसको भपंग कहा जाता है जी। इसकी उत्पत्ति शिवजी के डमरू से है जी। और इसकी जो देन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो मेरे गुरु और मेरे दादाजी थे स्वर्गीय श्रीमान जहूर खान मेवाती जी। उन्होंने 75 देशों में इस भपंग के साथ यात्रा की, वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके ऊपर और व्यक्तिगत जीवन और भपंग के ऊपर एक PhD की है गरिमा शर्मा ने। मेरे पापा स्वर्गीय श्रीमान उमर फारूक मेवाती, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि दादाजी को नेशनल अवार्ड मिल गया था, उनकी विरासत को बचाना था। पापा ने गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित किया। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मगर मैंने सिविल को छोड़ के इसको ही पैसा चुना, क्योंकि पापा मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ गए हैं। 20 जुलाई को ही पापा का इंतकाल हुआ था अभी, और मेरे साथ में मेरे चाचा हैं, मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, ये मेरे नाना जी हैं, तो हम इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं। भपंग 3 शब्दों से मिलके बना है। हम लोग क्या है, मुस्लिम जोगी जाति से हैं लेकिन शिव जी के उपासक हैं, शिवरात्रि पर शिव स्तुति करते हैं। भपंग भैसे भोले यानी कि शिव शंकर जी, पैसे पंडित यानी कि विष्णु भगवान, और गैसे गोरखनाथ,
गोरख के ओघड़ हुए ओघड़ के इस्माइल नाथ, वाकई हम औलाद हैं सुनो हमारी बात। तो ये भपंग तीन शब्दों से मिलके बना है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप सिविल इंजीनियर हैं लेकिन इन्होंने इसको चुना, इसके पीछे कारण बता दूँ, देश में लाखों सिविल इंजीनियर होंगे लेकिन भपंग वादक केवल और केवल यूसुफ खान है, इसलिए इन्होंने इस कला को चुना है। और हम प्राउड करते हैं ऐसे लोगों पर जो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हमारी कला और संस्कृति को पहुंचाते हैं। आपका जो GTV पर जो इंडियाज़ गो टैलेंट का जो अनुभव रहा उसके बारे में बताएं। कलर चैनल पे हम लोग क्या 2010 में गए थे और हमें पता भी नहीं था, रास्ता हमें नहीं मालूम था कैसे जाना है, लेकिन हमारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में ओपन में प्रोग्राम था, बरसात का थोड़ा टाइम था और कलर चैनल वाले वहाँ पे वीडियो शूटिंग कर रहे थे जी। हम लोगों ने क्या है कि जब स्टेज पे थे, ऑन द स्टेज बरसात आ रही थी, हम नहीं रुके क्योंकि हमें प्रोग्राम करना था जी। तो उस समय ही वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट वालों ने वीडियो बनाई, सीधा बॉम्बे भेज दी, हमसे एक कार्ड मांगा कि आपका एक कार्ड दीजिए हमें, हम आपको जल्दी ही TV पे बुला रहे हैं। एक महीने बाद ही हमारे पास में फ़ोन आया कि आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और आप लोग अहमदाबाद में आइए, अहमदाबाद में ऑडिशन है। वहाँ हमारा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में किरण खैर, साजिद खान, सोनाली बेंद्रे, ये तीनों थे जज थे, इन्होंने हमारा बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा प्रोग्राम का, पास हुए, आगे क्वार्टर फाइनल में गए, क्वार्टर फाइनल से फिर सेमीफाइनल में गए, वहाँ फिर वोटिंग की वजह से थोड़ा हम फाइनल में नहीं जा पाए थे। तो उसमें ये अनुभव था मेरा कि कला की बहुत अच्छी कदर है लेकिन वहाँ कुछ लेन देन ज़्यादा चलता है और इसलिए ही वो कला इतनी निखर के नहीं आ पाती है, तो ये मेरा अनुभव रहा था वहाँ पर। कुल मिला के आपकी लोकप्रियता में तो निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई होगी। बिल्कुल, पब्लिक सिटी बहुत हुई थी, जिस जहाँ हम 25,000 के प्रोग्राम बजा रहे थे उसी जगह पे हम 2.5-2.5 लाख के प्रोग्राम भी कर रहे थे, तो एक नाम पहचान शोहरत बहुत अच्छी मिल गई थी हमें उसी के इंडियाज़। कितने देशों में कार्यक्रम आप कर चुके हैं, दादाजी तो पूरी दुनिया में घूम चुके थे। लमसम मैं अभी 10-12 देशों में जा चुका हूँ और अभी 2018 में ही मेरा 2 महीने का USA का टूर है, एक कैटरीना मैम है उनके साथ में मैं USA जा रहा हूँ। इसके अलावा आजकल मैं देखता हूँ लोक संस्कृति को फिल्मों में भी मौका मिलता है, जैसे निमुड़ा निमुड़ा गीत है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, उसके पर विवाद भी हुआ था कि बिना पूछे आपका वो चुरा लिया गया था, आपकी भी कोई इच्छा रहती है कि किसी फिल्म में आपको मौका मिला या मिला है? देखिए, अनिल शर्मा की एक फिल्म आई थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बॉबी देओल के साथ हम लोगों ने पर्दे पर काम किया था, गाना था चलिया चलिया चलिया। मेरे वालिद साहब हैं जो स्वर्गीय श्रीमान उमर फारूक मेवाती, उन्होंने मीनाक्षी फिल्म में MF हुसैन साहब और AR रहमान साहब के साथ में भपंग पे संगत की है। मेरे दादाजी हैं जो सबसे पहले भपंग आँखें फिल्म में बजाया था, धर्मेंद्र वाली फिल्म थी आँखें दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जो महमूद साहब पे फिल्माया गया है, तो महमूद साहब जब पर्दे पे भपंग वादन करते हैं वो बैकग्राउंड में मेरे दादाजी ने बजाया था। उसके अलावा भी गंगा जमुना, नया दौर, सन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली किशोर कुमार की, और एक गाना था हमारे दादाजी का नखरो है न्याड़ो जमीला तेरो दुनिया सो, जब वो गाना उन फिल्मी डायरेक्टर के सामने रखा तो उन्हीं की धुन पे उन्होंने एक गाना बजाया था, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, और दादाजी ने उनको सुना के दिखाया था नखरो है न्याड़ो जमीला, सुनाई दीजिए ना बप्पन के साथ। अरे नखरो है न्याड़ो जमीला तेरो दुनिया सो, नखरो है न्याड़ो जमीला तेरो दुनिया सो, तेरो तो जमीला छोरी नखरो है न्याड़ो तेरो चढ़े चौबारे आए हाय चढ़े चौबारे मैंने हेला मारो, चढ़े चौबारे हेला मारो, बारी में के बोल सुने पीछे से ढोला जारो जमीला तेरो दुनिया सो, नखरो है न्याड़ो जमीला तेरो दुनिया सो। बहुत आनंद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं यूसुफ खान परम शिव भक्त हैं और जैसा बता रहे हैं कि भपंग तीन शब्दों से बना है और निश्चित रूप से जिस तरह की कला ये है इसको हम सैल्यूट करते हैं और ऐसे कलाकारों पर पूरे देश को गर्व है जिन्होंने इस कला को पूरी दुनिया में पहुँचाया है। और आप जानते हैं कि कलर्स के इंडियाज़ गो टैलेंट के सेमीफाइनलिस्ट हैं आज सुजानगढ़ कलाकार ने निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम को चांद चांद लगा दिए। मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ और उम्मीद करते हैं कि बार बार सुजानगढ़ रहेंगे और आप हमें यूँ मुलादित करते रहेंगे। बिल्कुल जरूर सर, मैं बिल्कुल वापस आऊँगा, जब भी आप बुलाएंगे तो मैं जरूर यहाँ सुजानगढ़ में पधारूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा आज और
आज के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा भीड़ रही, कुर्सियाँ पूरी भर चुकी थी, उसके अलावा साइडों में भी लोग खड़े थे। और यंग्स क्लब पर हम गर्व करते हैं, नाज करते हैं, जो हमारी कला और संस्कृति को लोगों तक पहुँचाता है, हम तक पहुँचाता है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम राजस्थान में बहुत कम जगह पर होते हैं, लेकिन यंग्स क्लब है जो हमारे बीच ऐसे कार्यक्रम लेकर आता है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी दीपक भोजक के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।